पानी भरने जा रहे हो? हाँ। कितने घंटे लगते हैं? 2-3 घंटे खड़े रहते हैं फिर नंबर आता है। 2-3 घंटे जैसे कि 5 घंटे 6 घंटे भी खड़ा रहता है फिर भी नहीं मिलता सर पानी। इधर तो बिल्कुल ही दिक्कत है पानी की। यहाँ कोई आ रहा है कहाँ पे? कोई विधायक नहीं है। आएगा तब न। वोट लेने के टाइम में सब आते हैं भाई, उनको वोट देना, उनको वोट देना। वोट के समय आते हैं कहते हैं उनको वोट दो, उनको वोट दो, उनको वोट दो। जब वोट हो जाती है क्लियर तो भैया अपने अपने लाइन क्लियर दे देते हैं और हम लोग धक्के खाते रहते हैं। पर यहाँ सर 3 चीज की जरूरत है। एक तो शौचालय नहीं है, प्लस में रोटी जरूरी है। पानी के बिना तो इंसान रह नहीं सकते। यहाँ पर कई नेता आते रहते हैं लेकिन और बुलडोजर भी आता रहता है। पीछे सुने थे कि बुलडोजर की वजह से एक बच्चे की मौत भी हो गई। डर के साए में आप लोग रोज रह रहे हैं। जिंदगी एक तो कट कैसी रही है और अगले साल चुनाव है, लोकसभा चुनाव है 2024, तो सरकार से क्या मांग है बताओ? बिजली पानी रोजगार बिजली पानी तो वो क्या कहते हैं शौचालय, ये सब रहने का जगह, और झुग्गियों में रह रहे हैं। राहुल गांधी भी है, कोई ठिकाना भी नहीं है, कब तोड़ देते हैं कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग बीच रोड पे आ जाते हैं, कभी बुलडोजर लेके ये नहीं देखते हैं कि बच्चा है बूढ़ा है कोई भी हो, सारे चला देते हैं। हाँ, पर यहाँ सर 3 चीज की जरूरत है। एक तो शौचालय नहीं है, प्लस में टोटी जरूरी है। पानी के बिना तो इंसान रह नहीं सकते, ठीक है, और बिजली। तो शौचालय सुने कि 2 महीने के आसपास से लगभग बंद है, तो आप लोग फिर आप लोगों को तो पुरुष तो चलिए पटरी पे इधर उधर चले जाते होंगे, आप लोगों को बड़ी परेशानी होती है, कैसे फिर होता है? दिक्कत ही होती है सर, बहुत तकलीफ होती है शौचालय की। अम्मा तकलीफ होती है जी। क्या अगले साल चुनाव फिर से आ गए, सरकार से क्या मांगे आप? टोटी मांग रहे हैं, जैसे बताया है सब चीज के जरूरी है। राशन मिल रहा है सरकार से? राशन किसी के मिलता है किसी के नहीं मिलता। क्यों पूछे नहीं आप लोग अधिकारी लोग जो आते हैं, राशन सबको नहीं मिल रहा है या विधायक से? यहाँ कोई आ रहा है कहाँ पे? कोई विधायक नहीं है। आएगा तब न। वोट लेने के टाइम में सब आते हैं भाई, उनको वोट देना, उनको वोट देना। वोट के समय आते हैं कहते हैं उनको वोट दो, उनको वोट दो, उनको वोट दो। जब वोट हो जाती है क्लियर तो भैया अपने अपने लाइन क्लियर दे देते हैं और हम लोग धक्के खाते रहते हैं। पानी भरने जा रहे हो? हाँ। कितने घंटे लगते हैं? 2-3 घंटे खड़े रहते फिर नंबर आता है। 2-3 घंटे जैसे कि 5 घंटे 6 घंटे भी खड़ा रहता है फिर भी नहीं मिलता सर पानी। इधर तो बिल्कुल ही दिक्कत है पानी की। तो रोज फिर पढ़ाई कैसे हो? पढ़ाई सुबह जाते हैं ट्यूशन, एक नल के लिए जाते हैं। हाँ। तो शाम की पढ़ाई इसी में पानी भरने में ही निकल जाता है। किस क्लास में पढ़ते हो? अभी स्कूल नहीं जाता हूँ, ट्यूशन नहीं जाता हूँ। स्कूल नहीं जाते हो? क्यों? बंद हो गया एडमिशन, गांव से आया हूँ। अच्छा, अभी ट्यूशन जा रहे हो? हाँ। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? चौथी है। चौथी है में? किस स्कूल में? श्रीनगर चार खंबा। चार नगर निगम में? हाँ। तो किताब मिलता है स्कूल से? हाँ। खाना मिल रहा है स्कूल में? है, बढ़िया से पढ़ाई चल रहा है। तुम भी जाती हो पानी भरने? जाती हो या शाम को जाता हूँ? जाता हो शाम को? जाता हूँ शाम को जाते हैं। क्या नाम है? अमीर। क्या? अमीर। अमीर, अच्छा, बहुत बढ़िया। और कुछ महिलाएं हैं जान लेते हैं। क्या बिन रही हैं जी? बिस्तर बिन रहे हैं। बाहर सोने के लिए कि अंदर सोने के? जहाँ सो लो। जहाँ सो लो, अंदर सो लो, अंदर भी जाके सो लो सर, बाहर जाके सो लो, इसमें क्या है? ये तो बिस्तर है ना। हम सवाल इसलिए पूछे अंदर बिछाने के लिए बाहर की, सुने लाइट वाइट नहीं आ रहा, आप ही की सहेली सब बता रहे। हाँ तो लाइट नहीं आता है, क्या बोलेगा? लाइट भी आता है, रोटी नहीं आता है, पानी और क्या बोलेंगे सर? सबसे ज्यादा
पानी की तकलीफ ज्यादा है, बाथरूम का है, शौचालय का दे दीजिए आप लोग। कच्चा पानी पीने टैंकर कितना कितने टाइम है? नहीं आता है यहाँ पर टैंकर, नहीं आता है। क्या बोलते हैं इसको, दर्शक को बता दीजिए। इसको बोलता है बिछावन, बिछावन बोलते हैं। तो और अगले साल तो चुनाव है, फिर नेताजी लोग आएंगे, नेताजी तो फिर क्या बोलेंगे अब आप? सालों से तो समस्या चल रही है, सालों से आप लोग वोट भी दे रहे हैं, तो क्या किसी को भी नहीं देंगे जब तक हमारा कोई काम ना होगा। बोलिए इतना अच्छा मियाँ जी, क्या काम का है? हाँ ऐसे काम करता है, यही सीमेंट में उठा उठाता है, दाढ़ी बिलदारी करता है। राशन आज आ रहा है कि महंगा अब लग रहा है? राशन राजस्थान तो लाते हैं उठा करके, महंगी पर 5 किलो राशन। अच्छा आप एकदम बोलते बोलते दूर चले जाते हैं, आप लोग डिस्टर्ब हो जाता है। दीदी आपसे बताइए, अभी जैसे बताएगी राशन को लेकर क्या समस्या? राशन भैया राशन मिलता है तो राशन है तो खाली खाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सब कुछ की जरूरत है, पानी की, बिजली की, लैट्रिन की, सब कुछ की जरूरत है। हाँ बस राशन मिलता है, राशन से क्या चल जाएगी सर सारे कुछ? 5 किलो राशन में क्या? अभी हम आ रहे थे तो कई लोग हमारे कान में ऐसे धीरे से बता दिए कि यहाँ पे जुग्गी में आप जाइएगा तो आपको एसी और फ्रिज भी मिलेगा। तो चलो भैया यहाँ पे घर है, सब में चेक कर लो, एसी है, हम तो बात पूछ रहे हैं, लोग ऐसा बता रहे हैं। मैं तो पंखे के लिए तरस रही हूँ, एसी कहाँ से आएगा? कुछ कुछ घरों में देखे कि बिजली आ रही है इस तरफ उस तरफ, इस तरफ उस तरफ ऐसे आ रहे हैं, किसी के है तो इधर उधर से कोई लगा रहे हैं, उधर से किसी से बात करके थे ऐसे, किसी किसी के घर से लेते हैं, हम तो रोटी बनाते हैं उस उजाले में, तो यही तो पंखा के लिए तरस रहती है, एसी कहाँ से आएगी? ये देखो अंधेरे में रोटी बनाती हूँ रात में।